प्रदेश के दलित पिछड़े आदिवासी कहां जाएंगे? सरकार के पास जवाब है, सरकार के पास एक ही जवाब है कि हम पे दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों में ठेकेदारी नहीं है, नहीं हम पे ठेकेदारी ना हो। इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों पे कमजोरों की ठेकेदारी है। हम अपने भाइयों के हाथ पकड़ के एकता बना के आगे बढ़ेंगे और एक नया इंकलाब लिखेंगे मध्य प्रदेश में। अगर उनको हमारी परवाह नहीं तो हमें भी ऐसी सरकारों की परवाह नहीं। हम लोग 12 फरवरी को भोपाल में इकट्ठा हुए थे, आपको याद है या नहीं याद है? 4 से 5 लाख वांछित वर्ग के लोग इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए आपको याद है या नहीं याद है? हम इसलिए इकट्ठा हुए कि हम यहाँ बेबसी राजधानी का जीवन जी रहे हैं। इस प्रदेश के बजट में हमारी भी हिस्सेदारी है। वो टैक्स देते हैं, फिर ये बजट अमीरों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए क्यों? इसमें गरीबों की हिस्सेदारी क्यों नहीं है? अभी अभी मामा जी ने कहा कि हम लाडली बहन योजना चलाएंगे, 1250 रुपए देंगे। आप दूसरे लोग यहाँ खड़े हो बताओ, 1250 रुपए में महिला सशक्त हो जाएगी क्या? अब तक 1100 रुपए का सिलेंडर देते थे, अब चुनाव